नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। हर मोर्चे पर इन दिनों पाकिस्तान में आर्थिक तंगी है। दिन ब दिन कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान दबता जा रहा है। क्रिकेट के मैदान पर तो पाकिस्तान का हाल और भी खस्ता है। आतंकियों के डर से कोई टीम वहां खेलने को तैयार नहीं है। नतीजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB लगातार गरीब होता जा रहा है। 10 साल बाद वहां कोई टेस्ट मैच होने वाला है, लिहाजा दर्शकों को किसी तरह स्टेडियम में लाने के लिए पाकिस्तान बेहद सस्ते टिकट बेचने की तैयारी में है। JioTV के मुताबिक अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले टेस्ट के लिए PCB सिर्फ 100 रुपए में टिकट बेचने की तैयारी में है। पाकिस्तान का 100 रुपए भारत के 46 रुपए के बराबर है। इतना ही नहीं, मैच के लिए सबसे महंगा टिकट सिर्फ 500 रुपए का होगा, यानी भारतीय रुपये में इसकी कीमत होगी सिर्फ 230 रुपए। जबकि भारत में टेस्ट मैच की टिकट किसी भी सेंटर पर कम से कम 400-500 रुपए होती है। पाकिस्तान के लोग महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के अधिकारियों को लगता है कि लोग यहाँ टेस्ट मैच देखने के लिए नहीं आएंगे, लिहाजा स्कूली बच्चों को भी स्टेडियम में फ्री लाने की तैयारी चल रही है। हाल के दिनों में देखा गया है कि पाकिस्तान में PSL और वनडे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची थी, लेकिन टेस्ट मैच को लेकर लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान में 10 साल के बाद कोई टेस्ट मैच होने वाला है। साल 2009 में वहाँ श्रीलंकाई टीम पर हमले के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ है। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दिसंबर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।